चलो देखो, क्वेश्चन यही कह रहे हैं ना, ऑन डिवाइडिंग दिस, इस पॉलीनोमियल नू एक पॉलीनोमियल नाल डिवाइड किया, जदों डिवाइड किया तां क्वेश्चन ए आया, रिमाइंडर ए आया, तां फाइंड की करना है डिवाइजर, वी किस नाल डिवाइड करिए अपन इस पॉलीनोमियल नू ताकि क्वेश्चन ए आवे, रिमाइंडर ए आवे। एक बार पढ़ के देखो, यही कह रहा है क्वेश्चन। देखो, ऑन डिवाइडिंग इस पॉलीनोमियल नू एक पॉलीनोमियल नाल डिवाइड किया तो जिहड़ा कोशेंट आया वो एक्स माइनस टू आया, जिहड़ा रिमाइंडर आया वो माइनस टू एक्स प्लस फोर आया। तो यही तो कह रहे क्वेश्चन। तो सही है। आज मैं तो डिवाइजर फाइंड करना है, आधा सतरा जाए डिवाइजर फाइंड करना है, कोई आइडिया दे सकता है? यहां से फॉर्मूले नाल कर कौन बोलिया? दूंगे। ध्रुव। यस। अच्छा एक ना चीज नोट करो। अच्छा ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता होएगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो पता ही होएगा, ये कोई खास गल नहीं है ना, ये तो छेवीं क्लास में करवाया जाता, सिक्स क्लास में। बट पॉलीनोमियल दे पी एक्स नूं आपां डिविडेंड कहने हैं, जी एक्स नूं डिवाइजर, क्यू एक्स क्यू कोशेंट, आर एक्स हुंदा रिमाइंडर। सानू सानू इस क्वेश्चन दे विच डिविडेंड भी दिता होया, डिवाइजर फाइंड करना है, कोशेंट भी गिवन है, रिमाइंडर भी गिवन है, तो जी एक्स असी नहीं फाइंड कर सकते, बड़े आसानी नाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा जा कर दाना अगे सॉल्व, तुसी करियो। ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस टू एक्स प्लस फोर हो जाएगा, इस माइनस टू एक्स प्लस फोर नूं इधर ले आओ, माइनस टू एक्स है प्लस टू एक्स हो जाएगा, प्लस फोर है माइनस फोर हो जाएगा, इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, टू एक्स एक्स थ्री एक्स माइनस फोर प्लस टू माइनस टू इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू। अगे की करना चाहिए था? हाँ, करा डिवाइड कर दिए नू, तो जी एक्स कितना आ जाएगा, क्योंकि यह मल्टीप्लाई ये आगे डिवाइड हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू नू डिवाइड कर दो, एक्स माइनस टू नाल डिवाइड करके जो आएगा वो की होएगा, जी एक्स। करो क्वेश्चन कंप्लीट, है छेती, थोनू दिते मैं 2 मिनट, फास्ट। 2.3 दा फोर्थ क्वेश्चन सीगा, फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर आ रहे हैं? जे नेट मेरा क्लियर नहीं है तो मैं रूम चेंज कर लेना, दसो। जीरो है आंसर। सर एक्स माइनस टू आ गया। की एक्स माइनस टू आ गया, डिवाइजर। यस सर एक्स माइनस टू। अच्छा आ गया, जो एक्स माइनस टू आ इतना गया डिवाइड सर। करके एक्स माइनस टू ही आ गया? यस सर। नहीं यार, ओ सॉरी सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आया। हाँ, जदों तुसी एक्स इनू डिवाइड करोगे एक्स माइनस टू नाल, थोड़ा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स एक्स वन। प्लस वन, तो यदा मतलब इनू डिवाइड करके कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आही आ आ की चीज़ है, डिवाइजर है। इसका मतलब पता है की होया, जल्दी करो मैं खत्म हो गया जिहड़ा नेट आह आपका। क्वेश्चन सीगा, इसनू तुसी किस नाल डिवाइड करोगे, किस नाल डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन नाल। जो तो इस पॉलीनोमियल में इधर ना डिवाइड करोगे तो यह क्वेश्चन आएगा, ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन ध्रुव हाँ जी सर। कनक? ठीक है, यस सर।
इंदर समझ आ गया? ठीक है, एक आध नोट करो। हुन आपां पता है किहड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, 2.4 दा पहला ते दूजा, दो क्वेश्चन करने हैं आपां। सब तो पहला था 2.4 दा फर्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो पहला तुसीं आ तेरे नोट, तो फिफ्थ नहीं करना, टू एक करना है राजे। पॉइंट थ्री का हाँ करांगे करांगे। पहले बाद। एक एक आ चीज देखो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाने दा थानू फॉर्मूला लिखवाया सीगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਪਲੱਸ ਗਾਮਾ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਗਾਮਾ ਅਲਫਾ। ਇਹ ਗਾਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਮਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਪਲੱਸ ਗਾਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਬਾਈ ਏ ਦੇ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਗਾਮਾ ਅਲਫਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਸੀ ਬਾਈ ਏ ਦੇ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਬਾਈ ਏ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2.4 ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਰਫ। सर एक मिनट नोट कर ली। नोट सर ठीक, एक मिनट 2.4 दा फर्स्ट दा सेकंड पार्ट करो। सारा दिखाई हुआ पूरा नहीं दिख रहा। अल्फा बीटा गामा लिखा है, माइनस अल्फा बीटा गामा क्वाड्रेटिक वाला फिर से समझा सकते हो? क्वाड्रेटिक वाला तो करवा चुका राजे मैं, इन्हू समझाना नहीं है तो मैं पहला करवा चुका पिछले लेक्चर च। ये उपर आप क्वेश्चन नहीं किए, 2.2 एक्सरसाइज आही तो समझाया सीगा। 2.2 एक्सरसाइज सारी इसे दे ऊपर सीगी, एक्स स्क्वायर माइनस जिस दे विच आप अल्फा बीटा बीटा गामा दी वैल्यू पुट करते होंगे सीगे, बीटा अल्फा दी सॉरी। आज दा लेक्चर तो ये ऊपर डिपेंड है, आता हो चुका अपना। ये पता है की लिखा है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। सेकंड क्वेश्चन करना है कि सेकंड पार्ट करना है फर्स्ट का? सेकंड पार्ट राजे, चार बारी बोल चुका मैं, समझ नहीं आ रहा। वो दिखाना वापस से। कर लिया नोट दिव्यांशु? ठीक कर रहा हूँ। मैं एक बार स्टार्ट दे देना। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड सेकंड पार्ट की कह रहा है, एक पॉलीनोमियल दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। इस दियां तीन जीरोज दी हुई ने, 2 1 1। वेरीफाई करना है कि यह इस दियां जीरोज हैगियां ने कि नहीं। किमें वेरीफाई करांगे ब्रह्मित, किमें वेरीफाई करांगे वी आ तीन जीरोज इस दियां वैल्यूज हैगियां ने कि नहीं? सर एक्स दी वैल्यू पुट कर कर हाँ
पहला सी एक्स की जगह पे टू पुट करांगे, ये है ये पी एक्स। पहला सी पी ऑफ टू फाइंड करांगे, मतलब जिथे जिथे एक्स है टू पुट कर देंगे, फिर पी की जगह पे वन पुट कर देंगे, है ना। तो जो टू पुट करांगे टू क्यूब माइनस फोर इंटू टू स्क्वेयर प्लस फाइव इंटू टू माइनस टू, इन सॉल्व करके जीरो के इक्वल आना चाहिए। एवें ही वन पुट करांगे, वन क्यूब माइनस फोर इंटू वन स्क्वेयर प्लस फाइव इंटू वन माइनस टू, इनू भी सॉल्व करके जीरो आना चाहिए। अगर तो यह दोनों जीरो आ गए यदा मतलब की है एक एक जीरो तो रिपीट ही है, तो दो बार ही नहीं असं करा, है ना, ये तो उपर हो ही जाएगा। अगर ये जीरो आ गए तो मतलब ये तीनों आ गया, हाँ जीरो आ गया, तो यह मतलब यदा मतलब जीरोज ने इस दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो वेरीफाई करना है कि इसदिया जीरोज है कि नहीं, एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो क्यूबिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म कि होंगी है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जेडे को साड़ी पोलीनोमियल कि है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू, ए दे विच ए बी सी डी की वैल्यू कढ़नी है। तो दिव्यांशु ए की वैल्यू कि है वन, बी की वैल्यू कि है माइनस फोर, सी की वैल्यू माइनस फोर है, सी की वैल्यू कि है फाइव, डी की वैल्यू कि है माइनस टू, अल्फा कि टू, बीटा कि वन, गामा कि वन। बस आ रिलेशनशिप वेरीफाई कर दो, ये भी लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो लेना चाहिए, लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जो आ गई मतलब साडा जिहड़ियां जीरोज दित्तियां होईयां ने ते जिहड़े रिलेशन ने वह दोनों वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है कर दो सर, गामा का सिंबल की हुंदा सर, आ आ आ देख आ गामा, छेती छेती कर दो सर, रिलेशनशिप मतलब तिन्नां दे कटने आ। हां हां तिन्नों रिलेशनशिप वेरीफाई करने आपा, क्वाड्रेटिक च भी तो दो रिलेशनशिप वेरीफाई करते होंदे सीगे, हां जी सर, क्यूबिक च तिन्नों करने आ। जिहदा ए क्वेश्चन हो गया ओ 2.4 दा सेकंड क्वेश्चन कर दियो, बोलो सर, इसमें जो फर्स्ट रिलेशन में सर माइनस बी है सर, उसमें माइनस फोर ब्रैकेट में फिर माइनस लिखना है। हाँ सर हो गया था रिलेशन, तब फ्रेंड्स वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना वो। यस सर, हाँ जी सर, सर हो गया। सर सेकंड क्वेश्चन विच 2 माइनस 7 माइनस 14 अल्फा बीटा गामा देते हुए हैं। हाँ क्या कह रहे हो दोबारा बोलो सर, मैं तो ये पूछ रहा था जेड़ा स्टेप सेकंड क्वेश्चन टू 2 माइनस 7 माइनस 14 अल्फा बीटा गामा, नहीं पढ़ के तो देख की देता हुआ है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ,
प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो एट अ टाइम, दो जीरोज़ का प्रोडक्ट है एक टाइम के उपर। तो सानू की दिता हुआ, फाइंड ए क्यूबिक पॉलीनोमियल, सम सम दिता हुआ मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू दी है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो वो भी दिता हुआ माइनस फोरटीन, मतलब आह की है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आ की है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, आ की है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है वही तो समझा रहा मैं वैल्यू दी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दी, आ वैल्यू दी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दी, आ वैल्यू दी अल्फा बीटा गामा दी, पुट कर दे। बस क्यूबिक पॉलीनोमियल ही बनानी है, इधर विच रिलेशन नहीं वेरीफाई करना। सर ये तो बन गई। तो फिर एक लाइन का क्वेश्चन है, इतना टाइम क्यों लगाता उसी, आंसर बनूंगा। हां जी सर। ठीक है कनक हो गया? यस सर। कन्वर्ट कन्वर्ट समझ आ रहा है कुछ तेनू? यस सर। ठीक है चलो फिर एक थर्ड क्वेश्चन करो, 2.4 का थर्ड क्वेश्चन, दिमाग लगाओ किमें होएगा। थानू 5 मिनट दिते फिर मैं करूंगा।
देखो रिलेशनशिप ए ते बी दी वैल्यू कढ़नी है। आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आ दियां जीरोज ने, जीरोज की होंगे ने अल्फा बीटा गामा, इसे नूं तां कहिंदे आपां जीरोज। जे दो जीरोज होण फिर अल्फा बीटा होंदा, तीन जीरोज होण तां अल्फा बीटा गामा होंदा। तां रिलेशनशिप की होंदा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस पी बाय ए। इस च पुट कर दो वैल्यूज, थोनू बी दी वैल्यू पता है ना, बी दी वैल्यू आई है -3, तां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1 आ जाएगा ये। इतों ए की वैल्यू कढ़ लो ए ते बी दी, एवें ही अगला रिलेशनशिप वेरीफाई कर लियो। हुण तुसीं दिमाग लगाना है कि उस तो बाद अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा वाला रिलेशन यूज करना है या अल्फा बीटा गामा वाला रिलेशन यूज करना है। दोनों जो जिहड़ा सौखा होया वो यूज कर लियो, बट पहली वैल्यू तो इतों ही निकलेगी। ਇਹ ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਰ 1 ਆ ਗਈ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਏ ਦੀ 1 ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੋ, ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਏ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਚ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬੀ ਦੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ √2। ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਦਰ, ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਸਰ? ਕਨਵਰ ਹੈ, ਕਨਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ ਸਰ। ਓਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰ ਕਨਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਨ ਹੈ, ਨੌਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਬਵਨ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਬੀਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਤਰਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। अल्फा बीटा गामा की है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तिना मल्टीप्लाई करके किस देख को ला? माइनस डी बाय ए दे, माइनस डी बाय ए मतलब माइनस वन ही हो जाएगा, माइनस वन बाय ता ए दी वैल्यू पुट कर दे च, वन माइनस बी इंटू वन ते वन प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। ए किन्ना हो जाएगा? वन माइनस बी, वन प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन। माइनस बी स्क्वायर की देख को आ गया माइनस वन, माइनस वन माइनस बी स्क्वायर की देख को आ गया माइनस टू, दे माइनस वन माइनस कट गया, बी कि आ गया प्लस माइनस √2। ठीक है, ये पियानो क्यों बजा रहे हैं? हाँ जी, सीधा नहीं क्या होता? चलो एक क्वेश्चन मैं ना तुम्हें होमवर्क दे रहा, मैं स्टार्ट स्टार्ट दिना, ठीक है, कंप्लीट उन्होंने तुम्हें करना है। 2.3 का फिफ्थ क्वेश्चन, 2.3 का फिफ्थ क्वेश्चन एक बार पढ़ो उसनों। मैं तुम्हें फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा, बाकी दो पार्ट तुम्हें खुद दिमाग लगाने हैं। बहुत वधिया क्वेश्चन है, बहुत वधिया क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्कूलों के ना क्वेश्चन छड़वा देंगे ने, बट अपना छड़ना नहीं है, छड़वाता हाँ, पर अपना छड़ना नहीं है, ये बहुत वधिया क्वेश्चन है। कहते कोई एवं दिया दो पोलीनोमियल बनाओ कि जिदे विच कि जिन्हों सॉल्व करके, मतलब कुछ एवें का सोचो कि कुछ एवें का अरेजमेंट सोचो कि जिदे विच डिग्री पता ना पावर नू कहने आपां, पावर नू कि पी एक्स मतलब डिविडेंड की डिग्री कोशेंट की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए है, कोशेंट दे सोचो सोचो
की एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ना डिवाइड करना ना ना सारा कुछ डिवाइड करके डिविडेंड नु पहले डिवाइजर नाल डिवाइड करके जो भी कोशेंट आएगा उस कोशेंट दी डिग्री डिविडेंड दी डिग्री दे कोल होनी चाहिए है। ऐ थोड़ी अपनी मर्जी नाल सोच लेगा इत्थे भी एक्स पाता इत्थे भी एक्स पाता एक ही गल बनी। डिवाइड करन तो बाद डिविडेंड दी डिग्री कोशेंट दी डिग्री दे कोल आनी चाहिए मतलब तेनों डिवाइजर भी सोचना पैना अपने कोलो। कोई दस सकदा है कोई भी बच्चा दस दे मैनू अज दा फिर वो विनर होएगा जिन्हें इस क्वेश्चन का आंसर देता। तेरे लेट ही करनी है ना अपने वालों हाँ हाँ लेट कुछ भी सोचो कुछ ऐवें दा सोचो कि जो तुसी नू डिवाइड करोगे डिवाइड करके इस नू इहदे नाल डिवाइड करोगे तो जिहड़ा कोशेंट आएगा ओहदी डिग्री ते डिविडेंड दी डिग्री इक्वल होवे। आ देखो डिग्री ऑफ कोशेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स मतलब डिविडेंड। फॉर्मूला जो मर्जी कर फॉर्मूला ला ले जो मर्जी कर जो आंसर कट के दे की एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स हाँ की करा था प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हाँ की करा था एक्स की एक्स नो हाँ वन ने डिवाइड करिए के क्वेश्चन भी एक्स आएगा एक्स नो डिवाइड करिए वन नल कितना आएगा क्वेश्चन एक्स ही आ जाऊगा एक्स हाँ जी तो क्वेश्चन क्वेश्चन की डिग्री कितनी है वन डिविडेंड दी भी हाँ वन जी है। हाँ फिर सही तो हैगा हाँ जी बड़े ज़्यादा सौखी होगी थोड़ा जहा तो यार वधिया वधिया लेवल दी एग्जांपल दो तुसी 10th क्लास दे बच्चे हो। एक्स सोचो सोचो सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैंने बोला हुआ है ये एवें तो कुछ सोच के देखिए जिवें 3x है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इनू 3 नाल डिवाइड करियो कितना आएगा। यस सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इन्ना आ जाएगा एक्स ना स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इनू सॉल्व करके आ जाएगा। यदि डिग एक ही है कोशेंट कोशेंट की डिग्री कितनी है 2 डिविडेंड की डिग्री कितनी है 2 होता गया। कुछ भी ला लो आ लो 5x प्लस 5 ला लो इनू 5 नाल डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा x प्लस 1 कोशेंट की डिग्री भी 1 है डिविडेंड की डिग्री भी 1 है। कन्वर समझ आया मैं की कह रहा हूं यस तू भी वधिया दिमाग लगाया एटलीस्ट एक बच्चे ने तो मैनू आंसर दिता कुछ ना कुछ तो सोचा उन्हें बहुत अच्छे इंप्रेसिव सीगा बट थोड़ा जा ज़्यादा सौखा सीगा। ते हुन तुसी अगले दो क्वेश्चन ने जिहड़े पंजवें दा सैकेंड पार्ट ते पंजवें दा थर्ड पार्ट ये तुसी खुद परफॉर्म करो। किन्ना टाइम हो गया 5:20 हो गए थोड़े कोले 5 मिनट ने देखते हैं कोई आंसर कर पाता कि नहीं। जिहड़ा फर्स्ट दा सैकेंड पार्ट उहदे विच कोशेंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री दे कोल प्रूव करनी है भी जिहड़ा डिवाइड करके कोशेंट आएगा तो जिहड़ा डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए है मतलब तुसी दो चीज़ा सोचनिया ने इतने एक तो डिविडेंड अपने को सोचना एक डिवाइजर अपने को सोचना है वो एवें दे होने चाहिए ने कि जो डिवाइड करिए कोशेंट ते रिमाइंडर की डिग्री सेम आवे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है थर्ड पंजवें का थर्ड है वो रिमाइंडर की डिग्री 0 क्या है तो सोचो सोचो थिंक। अज अपना चैप्टर खत्म है ये कल नवा चैप्टर स्टार्ट करांगे स्टैट्स कल अपा करांगे स्टैट्स करा दियो स्टार्ट करनी है यार देख रहे हो फिर पहला चैप्टर कराओ देख रहे हो एक्सप्रेस टू ना डिवाइड करिए किवें
x नो डिवाइड कितना करो x ना डिवाइड करिए किन्ने ते जाएगा वन ते गया ऊपर वन ते गया किन्ना आ गया x ही आ जाएगा माइनस टू आ गया क्वेश्चन की डिग्री किन्नी है वन रिमाइंडर की डिग्री किन्नी है ਇਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਸੁਪੋਜ਼ ਕਨਵਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੋਲ ਬੋਲ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈ ਧਰੂਵ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ डिग्री होएगी नहीं होर कोई इस तो बेटर आंसर दे सकता है कनक सर x1 जिमे डिग्री जिमे समझ गए ना डिग्री जिमे x प्लस 2 है इसकी डिग्री कितनी है x प्लस 2 की डिग्री कितनी है 2 कितनी है सर 1 शाबाश 1 है क्योंकि अपन वेरिएबल की डिग्री देखते हैं ना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं वही डिग्री होती है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल अगर x स्क्वायर प्लस 2 है तो इसकी डिग्री कितनी है 2 अगर सिर्फ 2 लिख रहा हूं मैं सिर्फ 2 लिख रहा तो इहदे नाल वेरिएबल अगर मैं अपने को अटैच करना चाहवा तो x की पावर 0 ही लिखूंगा हां जी सर क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होता है तो 2 * 1 2 ही हो जाएगा वो तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0 0 सर ठीक है हुन जेड़ा मेनू इसने कनवर ने एग्जांपल दी है कहंदा x प्लस 2 नु x नाल डिवाइड कर दो जी तो मैं डिवाइड करता 1 ते चला गया इतने 2 रिमाइंडर आ गया इतने रिमाइंडर की डिग्री कितनी है 0 क्वेश्चन की डिग्री कितनी है 0 तो फिर होता गया सानू कहा की सीगा क्वेश्चन की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री दे कोल प्रूव करना सीगा होता गया 0 0 इहदे नाल पता है कि कनवर की एग्जाम्पल नाल एक फायदा पता है की हो गया साढ़े कोले पंजवें का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया हाँ जी सर है ना हो गया ना पंजवें थर्ड पार्ट दे विच भी तां असीं इही पंजवें थर्ड पार्ट दे विच भी तां इही करना सीगा रिमाइंडर दी डिग्री 0 प्रूव करनी सी होता गया डिग्री 0 प्रूफ नहीं है सिर्फ 0 प्रूफ डिग्री डिग्री अंग्रेज डिग्री पंजवें थर्ड पार्ट च रिमाइंडर दी डिग्री 0 करनी सीगी तां आपां करता हो अच्छा एक ना छेती छेती एग्जाम च क्वेश्चन नहीं आते पंजवें दे पहले पंजवें दा पार्ट कोई भी एग्जाम च नहीं आता बट मैं फिर भी दस दिंदा इहदे विच की है असी नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करनियां ने इहदे विच ना ए ए तां पता थानू एक्स एक्सिस हुंदा आ वाई एक्सिस हुंदा है ना एक्स एक्सिस हुंदा आ वाई एक्सिस हुंदा आ जिहड़ी कर्व है जिन्ने पॉइंट ते एक्स एक्सिस ते टच कर रही है उन्नियां जीरोज़ होणगियां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਟੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ 0 ਇਹਦੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ